नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस यूट्यूब चैनल में मैं विकास पोपिनो और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक 36 के तहत बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न को देखने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न देखा, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न देखा, बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न देखा और अब हम देखेंगे बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, इससे रिलेटेड सबसे तो कुछ पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेंगे ताकि ये पैटर्न समझने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देखिएगा, दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग शेयर्स को बेच रहे हैं इसलिए ये डाउन ट्रेंड, फिर खरीद रहे तो ऊपर आ रहा है, बेच रहे खरीद रहे, बेच रहे खरीद रहे, तो इस लड़ाई में आखिर में कौन जीता है? तो बियर जीता है दोस्तों, शेयर बेचने वाले जीते हैं जो इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो चल रहा था ऊपर नीचे, ये कंसोलिडेशन फेज बोला जाता है, साइडवाइज मूवमेंट बोली जाती है, जहाँ पे कुछ बहुत सारा प्रॉफिट या बहुत सारा नुकसान नहीं होता है। मान लीजिए 100 है, 120 है, इसके बीच में ये अप एंड डाउन चलते रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये अप एंड डाउन चलने की वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल जैसी डायग्राम बन रही है और जिसमें बियर लोग यानी कि शेयर बेचने वाले लोग जीत गए हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे हम? बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न। बियर लोग जीते हैं और रेक्टेंगल बना है तो बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न इसे बोलेंगे। तो ये जो दो लाइन में ये खेल चल रहा था कंसोलिडेशन फेज का, तो ये ऊपर की हॉरिजॉन्टल अपर ट्रेंड लाइन है जिसे रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे और ये नीचे की हॉरिजॉन्टल लोअर ट्रेंड लाइन जिसे सपोर्ट लाइन बोलेंगे। इसमें सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शेयर बेचने वाले लोगों ने जीता है ये वॉर, ठीक है। तो ये पूरा ये कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं अब रियल में ये चार्ट कैसे बनता है और हमें कहाँ ट्रेडिंग करनी है, कैसे ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। तो देखिए, जब ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो उसी डाउन ट्रेंड के भीतर में ये हमारा बियरिश रेक्टेंगल बन जाता है चार्ट पैटर्न। तो इसकी वजह से ये जो डाउन ट्रेंड है वो आगे कंटिन्यू होता है, वो भी डाउन ट्रेंड, तो इसलिए ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो देखिए, यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद में यहाँ कंसोलिडेशन फेस आ जाती है दोस्तों, और कंसोलिडेशन फेस आने के बाद में एक थोड़ा सा स्विंग हाई होता है जिसके बाद में ही मार्केट डाउन ट्रेंड चला जाता है दोस्तों। अब ये कितना डाउन जाएगा, तो इसका जितना हाइट है, ये रेक्टेंगल का जितना हाइट है उतना ही ये नीचे जाएगा। मान लो ये 100 का लाइन है और ये 125 का रुपीज़ का लाइन है, तो इसके भीतर में जो फासला है 25 रुपये का, तो ये भी उतने 25 रुपये से ही डाउन होगा। तो हमें अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पे, हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि उल्टा हमें ट्रेंड करना है, पहले सेल कर देना है शेयर को और बाद में यहाँ पे शेयर खरीदी कर लेना है। ये हमारा टारगेट है 75 रुपीज़ का। तो 100 पे हम शेयर को बेचेंगे और यहाँ पे 75 में खरीदी करेंगे तो 25 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर्स है तो आप उस हिसाब से हर एक शेयर के ऊपर 25 रुपये यानी 25,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों, जमा कर सकते हैं। तो ये ऊपर की हमारी हॉरिजॉन्टल अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, नीचे की लोअर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। जब ये बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाती है दोस्तों। हमने बुलिश में देखा था वहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो गई थी, तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है तो इसके लिए ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर जाता है। जब ब्रेक होता है वही पॉइंट होता है हमें शॉर्ट एंट्री लेने के लिए, सेल करना है फिर बाय करना है और हमारा प्रॉफिट बना लेना है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ चुका हो दोस्तों आपको। और यहाँ पे जो छोटा सा स्विंग हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, हमारा कुछ लॉस होता है तो वो हमें पैटर्न गलत भी रहा तो हमें बचा लेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा देना है। तो इसे शॉर्ट में एक बार समझते हैं। तो देखिएगा, ये डाउन ट्रेंड चलता है उसी को कंटिन्यू करता है ये चार्ट, हमारा डाउन ट्रेंड ही करेगा। तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट का एग्जाम्पल है, बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जब ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो आगे ये डाउन चला जाता है, तो हमारा टारगेट कितना होगा, इस रेक्टेंगल के हाइट के जितना होगा। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लेके इस ब्रेक पॉइंट पे सेल कर देने हैं कुछ शेयर और बाद में टारगेट पे जाके उसी शेयर को बाय कर लेना है और प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। कितना जाएगा नीचे, इस रेक्टेंगल के हाइट के जितना ही नीचे जाएगा, तो टारगेट भी उतना रखना है, जितना चार्ट बोल रहा है उतना ही करना है दोस्तों, ठीक है। आप उल्टा सीधा खेलोगे तो रिस्क रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको चाय के साथ में, जी हाँ, चाय के साथ में, क्योंकि हमारा जो पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। तो कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के साथ में हम मिलेंगे।
तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा दोस्तों आपको। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन ट्रेडर लोगों से मेरी दरखास्त है, दिल से गुजारिश है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, एक मैसेज आपको मिलेगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।